नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को यानी कि कल ही एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंतर्गत गुजारा भत्ता लेने का हकदार ठहराया। मतलब भारत में मुस्लिम महिलाएं भी भरण पोषण की मांग कर सकती हैं, जो उनका हक है। ये फैसला सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। जस्टिस वीवी नागरत्ना और जस्टिस मसीह की पीठ ने यह अहम बड़ा फैसला सुनाया। पर जब से यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया है, मुस्लिम संगठन भड़क उठा है। मुस्लिम संगठनों ने हलचल पैदा कर दी है। जमियत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने आज एक लीगल टीम की बैठक भी बुलाई, जो कोर्ट के इस फैसले का अध्ययन कर आगे की रूपरेखा तैयार करेगी। इसके अलावा कई मुस्लिम मौलवी और संगठनों ने इस पर आपत्ति जाहिर की। कुछ का कहना है कि कोर्ट का यह फैसला शरिया कानून में दखल है और मर्दों के साथ नाइंसाफी है। तो कुछ लोगों ने जरूर इस पर समर्थन भी दिया है, पर महिलाओं को मिले सुप्रीम तोहफा से मुसलमान में जो गैंग है वो आखिरकार क्यों भड़क उठा है, क्यों मौलाना खफा है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, इस पर राजनीति क्यों शुरू हो गई है? ये तो भोलेनाथ की कृपा है इस देश के ऊपर, ऊपर वाले का उसको कह सकते आशीर्वाद है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बना। आज राहुल गांधी की सरकार होती, मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर जो केंद्र की सरकार, जो राहुल गांधी की सरकार होती, इस फैसले को बदल दी होती। यही इनके पिताजी ने किया था, यही काम इनके पिताजी ने किया था। कट्टरपंथियों, मुल्लों, मौलानाओं के दबाव में, और यही कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। आपने बहुत ही अच्छा किया कि इस मुद्दे को आज आपने उठाया है। कारण, चुनाव के दौरान मुस्लिम बस्तियों में ये कांग्रेसी नेता चट्टे बट्टे और मौलवी मौलाना लिफाफा खोर माल खा के वो लोगों को जाके बता रहे थे कि राहुल गांधी की सरकार बनानी है, ये सरिया के ऊपर हमला कर रहा है मोदी, और उन महिलाओं को भी गफलत में डाल दिया। महिलाओं से कहा कि भूल जाओ ये ट्रिपल तलाक, ये सरिया का कानून है कि हम चार चार शादी करेंगे, तुम्हारी सौतने लाएंगे, लेकिन राहुल गांधी आएगा तो 1 लाख रुपया देगा, खटाखट खटाखट। तो जिन महिलाओं के लिए इस सरकार के दौरान ट्रिपल तलाक खत्म हुआ, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म हुआ, टू बी प्रिसाइज, अब इसी सरकार के दौरान अब कोई तलाक देगा तो जीवन भर उसको मुआवजा देना पड़ेगा, उसके लालन पालन का जो है कुछ खर्च, कुछ हिस्सा उसको उठाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि तलाक 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 किया और लात मार के घर से बाहर भेज दिया और उसके बाद कहा यू गो टू हेल, तुम्हारी कोई अब हमें जरूरत नहीं है, ना तुमसे हमारा कोई रिश्ता है, ना कोई मुआवजा है, अपने बच्चे भी अपने साथ लेके जाओ। यही हो रहा था। अब ये महान बुद्धिमान लोग क्या कह रहे हैं, मर्दों के साथ नाइंसाफी है, ये शरिया कानून तो मर्दों के लिए ही बना हुआ है, यही तो आप कह रहे हो जी। कि कोई प्रोग्रेसिव फैसला आ रहा है, बाकी हिंदुओं के साथ जो है मर्दों की नाइंसाफी हो रही है। इसका मतलब कि अगर हिंदू मर्द किसी को तलाक देता है और उसके रहने खाने के लिए कुछ पैसे वहन करता है तो ये बड़ी नाइंसाफी हो गई। पूरी दुनिया में ये कानून चल रहा है सब मर्दों के साथ नाइंसाफी, आप ही एक अकलमंद पैदा हुए हो क्या? आपको फ्री लिबर्टी चाहिए किस आधार पे? तो शरिया कानून, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है कि हम शरिया के कानून को माने,
और ये सुप्रीम कोर्ट ने शरिया कानून की तौहीन की है, यही मेन आर्गुमेंट है। कल जब ये खबर आई थी तो कल भी हमने डिस्कशन किया था, उस समय ताजा ताजा खबर आई थी, तो हमने क्या कहा था कि ये लोग मानेगा नहीं, ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट। तो क्या लगता है जो दिल्ली में बैठक हुई है लीगल टीम के साथ, इनका अगला कदम सुप्रीम कोर्ट का होगा? भाई सुप्रीम कोर्ट का होगा, धंधा है ना भाई, कमाई होगी कमाई, आप बात समझिए। ये कोई, ये जो मौलवी मौलाना है, इनके कमाई का जरिया, ये राम मंदिर मामला खत्म हो गया, बहुत लोग बेरोजगार हो गए, धंधा बंद हो गया मौलवी मौलानाओं का, नहीं तो लिफाफा आता रहता था। अभी चुनाव में लिफाफा खा खा करके इन लोगों ने वोट को पोलराइज किया कि शरिया कानून जो है वो खतरे में है, लीजिए खतरा तो आ गया, अब यही जाकर के घूम घूम के करेंगे। तो धरना प्रदर्शन सब कुछ, अगर और अगर मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन देखिए, वो राहुल गांधी का वो सड़क छाप, वो कवि शायर जिसको बना दिया राज्यसभा MP, क्या कह रहा है? ये तमाम लोग, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम लोग जो राहुल गांधी के लिए वोटों की भीख मांग रहे थे, मुस्लिम मोहल्ले में जा जा करके अफवाह फैला रहे थे, क्या कह रहे हैं ये लोग? ये लोग कह रहे हैं कि भाई तो फंडामेंटल राइट का, हम लोग रिव्यू पिटीशन डालेंगे। ये लोग दो काम करेंगे, एक रिव्यू पिटीशन डालेंगे और दूसरा पॉलिटिकल प्रेशर बनाएंगे। ये साफ साफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग कह रहे हैं, जमीत उलमा हिंद के लोग कह रहे हैं। अब ये प्रेशर किसके ऊपर डालोगे? यहाँ तो हिमालय पर्वत खड़ा है मोदी के रूप पे, हिलेगा डुलेगा नहीं। और मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, मत ठेका लीजिए मोदी जी, मत ठेका लीजिए इन लोगों को सुधारने के लिए, ये लोग सुधारने वाले नहीं है, मत ठेका लीजिए। क्या हुआ, घर दिया, नौकरी दी, स्कॉलरशिप दिया, वोट मिला? नहीं, जीरो बटा सन्नाटा। एक काम कर दीजिए, ये सारे मौलवी मौलाना भागेंगे कोर्ट परिसर को छोड़ के, फिर ये जरूरत नहीं करेंगे, क्योंकि अगर रिव्यू पिटीशन डालेंगे सरकार की तरफ से भी बयान देना चाहिए और सरकार की तरफ से ये सुप्रीम कोर्ट में कहना चाहिए कि इनको बहुत परवाह है कि हमें फंडामेंटल राइट के मुताबिक, शरिया के कानून के मुताबिक हमें जीने का हक है, हम 3 तलाक भी करेंगे और हम पत्नी को जो है भगाएंगे भी, सौत भी लेकर के आएंगे और जब मन भर जाएगा लात मार के बाहर कर देंगे और उसके बाद कहेंगे कि जाओ तुम्हारे जैसे कोई लेना देना नहीं है, तुम मरो जियो, तुम्हारे बच्चे मरे जिए, उससे कोई हमें लेना देना नहीं है, हम दूसरी शादी करके आएंगे। ये काम अगर ये कह रहे हैं कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, 4 शादियां करना, 3 तलाक, तलाक तलाक करके बाहर कर देना और बाहर करके बच्चों के साथ फेंक देना, कोई मुआवजा नहीं देना, ये अगर आपका फंडामेंटल राइट है, और ये फंडामेंटल राइट क्यों है, ये लोग क्या कह रहे हैं भाई, शरिया कानून के तहत है। तो मैं यही गुजारिश कर रहा हूं, सुधारने की कोशिश मत कीजिए, ये लोग सुधरने वाले नहीं है, सुधरने वाले नहीं है। सरकार को कोर्ट में जाकर के कहना चाहिए कि इनकी बात सही है, इनकी बात बिल्कुल सही है, फंडामेंटल राइट मिला हुआ है कि शरिया कानून, तो शरिया कानून 100% उसी स्टाइल में लगाओ, सिर्फ पर्सनल लॉ नहीं, क्रिमिनल लॉ भी है। क्रिमिनल लॉ नहीं चाहिए, आधे मुसलमान हो भाई, अगर अल्लाह की राह पर चलना है, कुरान शरीफ और हदीस के मुताबिक चलना है, शरिया कानून के हिसाब से चलना है, तो आप जिस तरीके से पर्सनल लॉ मांग रहे हो, क्रिमिनल लॉ को भी एक्सेप्ट करो। तो वो नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, ये सब ज्यादा अकलमंद लोग हैं, वो इसलिए नहीं चाहिए कि फिर कोई एक हिंदू और मुसलमान दोनों साथ जाएंगे चोरी करने के लिए, दोनों पकड़ा जाएगा तो एक को मिलेगी 4 महीने की सजा जेल में और दूसरे का काटा जाएगा हाथ, क्योंकि शरिया यही कहता है। तो क्रिमिनल लॉ नहीं चाहिए इनको, वो शरीयत में नहीं है, वो इस्लाम का पार्ट नहीं है, तमाशा बनाकर रखा हुआ इन लोगों ने, इन लोगों का मन बढ़ा हुआ है।
ये जो हिंदुस्तान में जो सेकुलर जमात है, जो सेकुलरिज्म का धंधा करते हैं, इन लोगों ने माथा खराब कर दिया है। संविधान लेकर के घूम रहा है ये राहुल गांधी, शर्म नहीं आती इसको? कभी पढ़ा भी है उसको? उसमें लिखा हुआ है देश में यूसीसी चाहिए, देश में यूसीसी चाहिए, देश में गौवंश हत्या के ऊपर बैन होना चाहिए। ये सारी बातें संविधान में ही हैं। तो वहां रतौंधी की बीमारी हो जाती है, मोतियाबिंद हो जाता है उस पन्ना पे जाते ही, दिखाई नहीं देता, सूरदास बन जाता है राहुल गांधी। और ये कांग्रेसियों का पूरा कबाल जो है वो पीछे पीछे जाएगा, यही केस होगा, यही कांग्रेसी वकील सब जो है इस केस के रिव्यू पिटिशन को डालेंगे। इससे मैं कह रहा हूं ना कि जो बीजेपी में कुछ लोग जो है वो महाबुद्धिमान लोग जो हैं, कि जो एकदम बिल्कुल रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं, बंद कीजिए, नहीं सुधरेंगे ये लोग। वोट आपको वैसे भी नहीं मिलता है, क्यों बनवा रहे हो घर, क्यों बनवा रहे हो ये सारी चीजें? आइडियलिस्टिक बात मैं नहीं करता, प्रैक्टिकल बातें मैं बता रहा हूं। इस प्रॉब्लम से निजात पाना है, कोर्ट में सरकार जाकर के हलफनामा दे कि पर्सनल लॉ के साथ साथ क्रिमिनल लॉ भी जो है शरिया के मुताबिक लगेगा मुसलमानों के लिए, क्योंकि लेना है तो फुल बनो मुसलमान, बनना है फुल मुसलमान, शरिया चाहिए फुल शरिया लो। क्योंकि ये लोग देखिए, इन लोगों को आप जबरदस्ती किसी को एवरेस्ट माउंटेन पे थोड़ी चढ़ा सकते हो, जब तक वो आदमी चाहे ना, पीछे से धक्का दे दे करके आप उसको एवरेस्ट माउंटेन पे चढ़ाने की कोशिश को मत करो। और सुप्रीम कोर्ट की भी ऐसी तैसी होगी, अभी आप देखते जाइए, फैसला तो दे दिया इन लोगों ने, अभी फिर चलेगा ये इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में आ गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, इतना नाजुक है इस्लाम। अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार होती, ये शाहबानो केस में 1986 में एग्जैक्टली यही हुआ था, ये लोग यही मीटिंग, यही देवबंदी जमीत उलमा हिंद, यही पर्सनल लॉ बोर्ड के कट्टरपंथी, इन लोगों ने बवाल काट दिया था। तो जैसे राहुल गांधी वैसे राजीव गांधी, हाँ ऐसा मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा फिर तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे, दो तीन चुनाव हार गए ये लोग, बड़े मुसलमान हमसे नाराज हो गया है, अच्छा नाराज हो गया है, चलो भाई प्रचंड बहुमत हमारे पास है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डस्टबिन में डाल दो, कानून बना करके आपने जो है वो हटा दिया। राहुल गांधी होता तो यही काम करता, ये समझ कर बोलो ऊपर वाले की जो है वो का आशीर्वाद, कृपा है, आशीर्वाद है, देश जो है इस तरह की चीज़ों से जो है वो बच जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो होनी ही है। ये जो हिंदुओं में जो दोगले किस्म के लोग हैं, डबल स्पीक करने वाले, कहाँ है भाई वो संविधान बचाने वाला गैंग? अभी कुछ बोलोगे? नहीं बोलोगे, क्यों? हालत खराब हो जाएगी, अभी नहीं बोलेंगे। ये कहाँ है वो लेफ्ट लिबरल बड़ी बड़ी बिंदी वाली सब, फेमिनिस्ट प्रेस क्लब में भाषण देने वाली, ये जेएनयू वाले कहाँ हैं? महिला अधिकार हैं, फेमिनिस्ट लोग कहाँ हैं? गायब, कोई नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं कोई बात करेगा, चार पांच दिन के लिए हॉलीडे पे चले जाएंगे, चलो मरने दो इन लोगों को। ऐसे नहीं चलेगा। जिन लोगों को मेरी बात बुरी लग रही है और जो ये थ्योरी देते हैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कि देखिए ये 17-18% पॉपुलेशन अगर पीछे रह जाएगा तो देश तो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, भाई वो पीछे ही रहना चाहता है, वो पीछे ही रहना चाहता है। इन मौलवी मौलानाओं कट्टरपंथियों को आप नहीं रोक पाएंगे, एक ही ग्रुप रोक सकता है इन लोगों को, ओनली वन। जब यंग प्रोग्रेसिव एजुकेटेड लड़कियां, ये पुराने जनरेशन की महिलाओं से उम्मीद नहीं मुझे, ये यंग जनरेशन जो आगे बढ़ना चाहती हैं,
आजाद होना चाहती है इन बंधनों से, उनको बाहर आना पड़ेगा। सीए के लिए नानी दादी आ रही थी तो इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमाए हिंद का ये जो मुहिम जो शुरू होने वाला है उसके खिलाफ मुस्लिम युवा लड़कियों को, प्रोफेशनल्स को बाहर आना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने बड़ा फैसला दिया है कि मुस्लिम महिलाओं को भी अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। दोनों ही जजों ने सीआरपीसी की धारा 125 का हवाला देते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 हर धर्म की शादीशुदा महिलाओं पर लागू होती है और मुस्लिम महिलाएं इस धारा से अलग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला 12 साल पुराने केस में आया है, पर हमारे देश में इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। मौलाना गैंग में हड़कंप क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस अहम और बड़े फैसले पर आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखें। देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।